अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी रेडी होने वाला चिकन चिली ड्राई। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया हाफ के जी चिकन बोनलेस और उसको मैंने इसे स्ट्रिप्स में कट कर लिया। सबसे पहले कर लेते हैं चिकन की मैरिनेशन। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 3 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर का, 1 टेबल स्पून भर के मैदे का, साथ में इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट का और 1/2 लेमन। साथ में इसमें डालेंगे हम लोग 1 अदद अंडा और इन सब चीज़ों को डाल के हम लोग अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में नहीं बाय रिकवर करके रख देंगे। अब 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद हम लोग इन स्ट्रिप्स को कर लेंगे डीप फ्राई। यहाँ पे ले लिया मैंने ऑयल और एक एक करके स्ट्रिप को निकालते जाएंगे और डालते जाएंगे और अच्छे तरीके से इनको प्यारे से गोल्डन कलर में हम लोग डीप फ्राई कर लेंगे कि अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए, प्यारा सा इनका गोल्डन कलर भी आ जाए। इधर आप देख सकते हैं कितने प्यारे गोल्डन से कलर में ये फ्राई हो गए। इसी तरह हम लोग बाकी के सारे स्ट्रिप्स को भी फ्राई करके एक पेपर टॉवल पे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन सबको हम लोग फ्राई करके एक साइड पे रख देंगे और इसके बाद हम लोग रेडी कर लेंगे इसकी सॉस। अब सॉस रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन और उसमें मैंने डाल दिए 2 टेबलस्पून भर के ऑयल के और 1 टीस्पून गार्लिक, फ्रेश गार्लिक आप डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग हिलाएंगे, फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 2 ग्रीन चिलीज़। ये जो मैं ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ बहुत तीखी ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको मैंने जूलियंस में मोटा मोटा कट कर लिया। साथ में इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें विनेगर भर के, साथ में इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून चिली सॉस। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे टोमेटो पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये थोड़ा सा मसाला है, जो विनेगर सोया सॉस है, ये थोड़े थोड़े नीचे लग रहे हैं तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। इस टाइम पे यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग 2 टेबलस्पून भर के केचप के, लेकिन वो क्लिप मेरे से थोड़ी सी मिस हो गई थी, आपने 2 टेबलस्पून भर के केचप के भी ऐड कर देने हैं। साथ में इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/2 कप पानी और हमारी ये जो सॉस है इसको पकने दूंगी अच्छे तरीके से कि ये थिक सी फॉर्म में आ जाए। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चिकन क्यूब या आप 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इस चिकन क्यूब को भी मैं अच्छे तरीके से इस लिक्विड में मिक्स कर दूंगी अपनी सॉस में और अब हम लोग इसे वेट करेंगे, इसे बॉईल करेंगे, पकने देंगे कि ये थिक फॉर्म में आ जाए। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये थिक फॉर्म में आ गई थी। अब इसमें ऐड कर लें आप अपनी पसंद के वेजीज या आप डायरेक्ट इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 अनियन ले लिया और 1/2 बेल पेपर ले लिया येलो कलर का
और साथ में ही इसमें ऐड कर दिया है मैंने चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। अब बस अच्छे तरीके से सॉस के अंदर इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत मज़े का बनता है। बिल्कुल अब हमारा चिकन चिली ड्राई रेडी है। इसके ऊपर आप गार्निशिंग करें ग्रीन अनियंस की और इन्जॉय करें चाइनीज़ राइस के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ या सादे उबले हुए चावलों के साथ। बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।